हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग डे नाइट देख चुके हैं, बहुत ही आसान सेशन था। अब उसी का हम लोग पार्ट टू डे टेन के रूप में ला रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग कुछ पढ़े थे जो कि आप लोग इजी निकाल लें। क्या पढ़े थे देखिए, जैसे पढ़े थे हम लोग, मान लीजिए √30 + √30 + √30 डॉट इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको आप डायरेक्ट क्या बोले थे, इसका फैक्टर करना है। और ऐसा फैक्टर करना है, गैप कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो क्या होगा, 5 + 6। अब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहेगा छोटा वाला आंसर। लेकिन जब आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे तब अब क्या होगा, जैसे इसी में ले रहे हैं √7 + √7 + √7 + √7 = √∞। अब बताइए इसका आप निकाल सकते हैं वैल्यू, इस तरह में इसको फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिखने देखिए सब लोग, जैसे x प्लस सब रूट में चलते रहेगा इंफिनिटी तक, तो इसका फॉर्मूला होता है 4x + √+1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + x + x इंफिनिटी तक जाएगा तो क्या होता है, √4x + 1 + 1/2। जैसा कि पहला नंबर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, √4 + √4 + √4 + ……. ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, एक्स यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है, तो बताइए यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 × 4 = 16 आ रहा है, कितना जाएगा, 17। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 × 4 + 1 + 1/2, तो 16 × 17 हो गया, √17 + 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ये कब लगाएंगे, जब आप इसको आप फैक्टर करने में दिक्कत होगा तब लगाएंगे, ठीक है। अब यही चीज यदि माइनस में रहेगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे उसी तरह 4x + 1, बस यहां पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, / 2। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका लिखा होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में है √9 − √9 − √9 ……. इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √4 × 9 + 1 − 1/2, अब कितना 36 √37 − 1/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, जब कुछ भी रहेगा इसके जगह पर तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका टाइप, जब अल्टरनेटिव रहेगा, जब एक प्लस एक माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए प्लस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, माइनस, उसके बाद क्या होगा, प्लस, फिर माइनस, इस तरह अल्टरनेटिव साइन रहेगा। यहां पर यदि माइनस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस चलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4x − 3 प्लस स्टार्ट हो रहा है, याद रखेंगे यहां +1 होगा / 2, प्लस स्टार्ट हो रहा है यहां पर क्या रहेगा, +1, और इसका देखते हैं 4x − 3 रूट में लेंगे, माइनस स्टार्ट हो रहा है इसलिए −1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप एग्जांपल नंबर 3 में देख रहे हैं क्वेश्चन, या फिर एग्जांपल नंबर 3 √7 + √7 − √7 + ……. कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक्स यहां पर क्या दिया हुआ है, 7, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, प्लस से हो रहा है, ठीक है, तो प्लस में यहाँ प्लस होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो गया, 7 × 4 = −3 √+1/2, ठीक है। ये दोनों केस में यहाँ पर माइनस रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, बस इस साइन को देखना है, प्लस और प्लस रहेगा, स्टार्टिंग यदि माइनस से हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 28 में से 3 गया कितना, 25, 7 × 28 में 3 = 25 + 1/2, तो हो गया 5 + 1/2, तो कितना हो गया, 3, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में आपका दिया हुआ है √11 − √11 + √11 − ……. कहां तक, इन्फिनिटी तक।
अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कौन किस चीज से हो रहा है, नेगेटिव साइन से, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो अंडर रूट चार गुना ग्यारह माइनस थ्री माइनस वन बाय टू। इसको सॉल्व किए, ये कितना हो गया, चौवालीस, गाचो चौवालीस में से तीन घटा दी, कितना, इकतालीस, रूट अंडर इकतालीस माइनस वन बाय टू, ये इसका आपका आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं, यहां तक समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला बस याद रखना है, जब साइन अल्टरनेटिव रहेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तब आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल समझ गए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये चीज दोनों याद होना चाहिए फॉर्मूला। चौथा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आइए आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर माइनस, मतलब अल्टरनेटिव वाला है, प्लस माइनस, या स्टार्टिंग यहाँ प्लस से, यहाँ स्टार्टिंग माइनस से, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे बताइए, प्लस जब रहेगा तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाय टू, यही होता है, ठीक है। और जब माइनस होता था फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, रूट अंडर फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाय टू। अब देखिए ये हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया आपका वाई का वैल्यू, ठीक है, ये प्लस वाला का, ये माइनस वाला का, ये दोनों क्या करना है आपको, गुना करना है आपको, एक्स इंटू वाई निकालना है, तो गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स जहाँ पर चार दिया हुआ है, तो चार गुना चार कितना हो गया, सोलह, सोलह में से तीन घटाएं कितना हो गया, तेरह, तो रूट तेरह प्लस वन बाय टू, सेम यहां पर हो जाएगा रूट तेरह माइनस वन बाय टू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही होता है। तो यहां पर करेंगे आप ए स्क्वायर मतलब रूट तेरह का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, यदि यहां पर आपको दिख नहीं रहा था ऊपर में लिखते हैं ताकि आप लोग नजर आ जाए, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, रूट तेरह का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस एक का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और नीचे दो गुना दो कितना हो गया, चार हो गया। अब रूट तेरह का स्क्वायर कितना हो गया, तेरह, और तेरह माइनस एक कितना हो गया, बारह, बारह बटा चार बराबर कितना आ गया, तीन, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, तीन आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा, और बस इस टाइप में इतना ही था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।